पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर मुहाली जिले के दफा 163 लागू कर दी गई है, जिहड़ी पहला दफा 44 हुंदी सी, जिस दे मुताबिक 4 या 4 तो वध लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। मुहाली जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने अमन कानून की स्थिति कायम रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया है। इस दे तहत पानी वाली टैंकियां होण, ट्यूबवैल, टैलीफोन टावर, सरकारी या निजी इमारतां होण, इन्हां ते चढ़न अते इन्हां दे आले दुआले धरने, रैलियां करने वाले, सड़कां जाम करने वालियां ते पूर्ण पाबंदी ला दी गई है। 11 अक्तूबर तो लैके यानी कि अज तो लैके 10 दसंबर तक यह हुक्म लागू रहणगे। रतन टाटा दे देहांत तो बाद हुण टाटा ग्रुप दे सब तो वड्डे शेयर होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमांड उन्हां दे मतरेए भरा नोयल टाटा नूं दे दित्ती गई है। अज मुंबई दे विच होई मीटिंग तो बाद नोयल दे नां ते सहमति बणी। नोयल टाटा अपने परिवारक संबंधां ते ग्रुप दीयां कई कंपनियां दी विरासत नूं अगे वधाउणगे। नोयल टाटा पहला ही सर दुरावजी टाटा ट्रस्ट अते सर रतन टाटा ट्रस्ट दे ट्रस्टी हन। भारतीय शेयर बाजार अज फिर 200 अंक हेठां डिग्गिया, जिस तो बाद सेंसेक्स 81360 दे पॉइंट ते पहुंच गया। निफ्टी दे विच भी 60 अंकां दी कमी वेखी गई है। 30 दे विचों 16 शेयरां दे विच तेजी देखी गई है। दुनिया दे सब तो अमीर व्यक्ति अते एक्स दे मालक इलॉन मस्क दी कंपनी टेस्ला ने अज अपनी पहली रोबो टैक्सी साइबर कैब तो पर्दा चुक्या है। इसकी कीमत $30,000 तो घट ही होगी, जिहड़ी कि 25 लाख तो भी घट कीमत बनती है। तो इसकी एवरेज है जी 16.81 रुपये प्रति मील होगी, जो एक रवायती शहरी टैक्सी के नालों बहुत घट है। 2 सीटर वाली इस टैक्सी में ना तो स्टेयरिंग है ना ही पैडल। मस्क ने उम्मीद जताई है कि 2027 तो पहला साइबर कैब का प्रोडक्शन शुरू कर दिता जाऊगा। कंपनी ने एक होर ऑटोनामस व्हीकल रोबो वैन नूं भी पेश किया है, जिहदे विच 20 लोग बैठ सकते हैं। इहदे विच समान भी लिजाया जा सकता है। साइबर कैब का डिजाइन साइबर ट्रक के नाल काफ़ी मिलता है। कार दे फ्रंट दे विच एक पतली कनैक्टिंग LED लाइट लाई गई है, जो DRL का काम करती है। सो ब्रीफ दे विच गल कर लईए तां टेस्ला दे वल्लों जिहड़े नवें ऐलाने गए वाहन हन, ओह एक तां रोबो टैक्सी है जिहड़ी बिना ड्राइवर तो चलूगी। रोबो वैन है जो बिना ड्राइवर 20 सवारियां जां समान ढोने के लिए वरती जाऊगी। निजी रोबोट भी लिया जाऊगा, जोड़ा घर के काम या घर तो बाहर के काम ने जोड़े वो अपने आप कर लिया करूगा। इन्हों कुछ अगले साल उपलब्ध होंगे तो कुछ उस तो भी अगले साल उपलब्ध होंगे। सो जिस तरह दीयां चीज़ा इलोन मस्क लिया रहा है AI की मदद के नाल, वो जो दुनिया के आउणगियां तां भविख काफ़ी बदल जाऊगा। तो AI नूं बनाउण वाले जोड़े विग्यानी हैगे ने, जिन्हां नूं पिछले दिन ही नोबल पुरस्कार भी मिला है, उन्होंने भी AI दे आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे बहुत वड्डे खतरे भी दस्से सन। तो जदों रोबोट इहो जे आउण लग पे जिहड़े मनुक्खां तो भी वध तेज़ी दे नाल हर काम करिया करनगे, तो सोच के देखो कि दुनिया किहो जी होएगी। पंजाब दे विच लॉन्च की गई सड़क सुरक्षा फोर्स दे नाल 45% हादसियां दे विच कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसका दावा किया है। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी ते तैनात मुलाजमां नूं वधाई भी दित्ती। पिछले साल फरवरी तो सितंबर तक सूबे दे विच हाईवे हादसियां दे विच 1454 लोकां दी कीमती जानां गईयां सी, जबकि इस साल आंकड़ा घट के 794 रह गया है। कर्नाटक दे विच एक स्कूटर मकैनिक की किस्मत चमकी है। मंडिया के एक मकैनिक अलताफ ने 25 करोड़ के केरला त्रिवोनम बंपर की लाटरी जीती है। अलताफ ने दस्सिया कि मैं करीब 15 सालों तो लॉटरी की टिकट खरीद रहा सी, अखीर रब ने मेरी सुन लई है। स्कूटर मकैनिक नूं 25 करोड़ की लॉटरी निकली है तो उसने काफ़ी सारे सुपने सजाए हुए हैं। 7 साल बाद भारत की धरती पर हाकी इंडिया लीग करवाई जा रही है। इहदे विच 1000 तो वध खिडारियां की बोली लाई जाऊगी। पहली वारी पुरुषों के नाल महिला लीग भी खेडी जाऊगी। हाकी इंडिया ने 8 टीमां की नीलामी 13 ते 14 अक्तूबर को रखी है, जबकि पहली महिला लीग के लिए नीलामी 15 अक्तूबर मंगलवार नूं होगी। पुरुष वर्ग दे विच 400 तो वध रजिस्टर्ड खिडारी भारती हन, जबकि 150 तो वध कौमांतरी खिडारी ने। महिला वर्ग दे विच 250 भारती ते 70 विदेशी खिडारी ने। खिडारियां नूं 2 लाख, 5 लाख ते 10 लाख रुपये दीयां 3 बेस प्राइज श्रेणियां दे विच रखिया गया। टेस्ट क्रिकेट दे विच पाकिस्तान दी इतिहास दी सब तो शर्मनाक हार हुई है। 500 तो वध दौड़ा बना के भी टीम मैच हार गई है। मुल्तानी टेस्ट दे विच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 556 दौड़ा बनाईयां सी। इंग्लैंड ने जवाब दे विच 823 दौड़ा बनाईयां ते पाकिस्तान दी टीम दूसरी इनिंग दे विच 267 दौड़ां ते ही आउट हो गई। पाकिस्तान दी टीम 44 महीनों के अंदर अपने होम ग्राउंड ते एक भी टेस्ट मैच नहीं जित सकी। इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज 1-0 दे नाल जित लई है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा आस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज दे विच एक टेस्ट चों बाहर हो सकते हैं। उन्होंने घरेलू वजह के नाल BCCI तो 1 मैच ना खेडन की इजाजत मंगी है। जेकर टेस्ट सीरीज शुरू होने तो पहला ही निजी मामला सुलझा बुझा लिया गया तो फिर मैदान पर उतर सकते हैं। उधर T20 क्रिकेट विश्व कप दे विच भारती महिला टीम की अगवाई कर रही कप्तान हरमनप्रीत कौर दे कोल टीम इंडिया नूं सैमीफाइनल दे विच पहुंचाउण दे लई हर हाल दे विच 6 बार दी चैंपीयन आस्ट्रेलिया दी टीम नूं हराउणा पऊगा। 13 अक्तूबर नूं शारजा दे विच होण वाले मैच दे विच जे भारती टीम कामयाब हुंदी है तां टॉप 4 दे विच पहुंच जाऊगी, नहीं तां सारीਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।